हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद ब्रेन। चैनल पे आपको एमएससी के सभी सेमेस्टर की क्लासेस विद पीडीएफ बुक एंड नोट्स मिल जाती है। सो किसी भी डिटेल के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको जो नोट्स मिलते हैं, साथ ही साथ वो आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल हैं। प्लस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो मेरे जो भी मैं टॉपिक आप सबके साथ शेयर करती हूँ उसके एंड में मैं मेंशन करती हूँ कि इस टॉपिक से आपके एमएससी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो आपके लिए मेरी वीडियोस डबल बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि एक तो आपको लैंग्वेज का इशू नहीं होता, आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, एंड प्लस आपको अनसोल्व पेपर से देख के मैं साथ के साथ क्वेश्चन मेंशन कर देती हूँ, जिससे कि स्टूडेंट को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। द इंट्रैक्शन बिटवीन द स्पिन ऑफ नेबरिंग मैग्नेटिक न्यूक्लियाई इन अ मॉलिक्यूल मे कॉज द स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल इन द स्पेक्ट्रम। मीन्स जो इंट्रैक्शन होता है न्यूक्लियाई का, जो नेबरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके मॉलिक्यूल्स में, तो उसकी वजह से जो एनएमआर सिग्नल है उनमें ब्रेकेज आ जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है स्पेक्ट्रम में, एंड जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग और इंट्रैक्शन, दोनों की सेम ही नाम है, तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। प्लस अगर आप मेरी क्लासेस देखती हो तो आपको कन्फ्यूजन होगा भी नहीं, ठीक है। तो कपलिंग और इंट्रैक्शन आपके दोनों सेम है, आपको सिर्फ प्रोसेस समझने हैं। तो जैसे ही आपके नेबरिंग मैग्नेटिक न्यूक्लियाई एंड जो मॉलिक्यूल होता है स्पिन का, उसमें जो इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन की वजह से उनके जो सिग्नल्स हैं उनमें ब्रेकेज आ जाता है, स्प्लिटिंग आ जाती है, एंड वो टूट जाते हैं, एंड इस फिनोमेना को हम स्पिन स्पिन कपलिंग के नाम से बोल सकते हैं। देन विच अकर थ्रू अ सिंगलेट अनपेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो ये प्रोसेस होती है वो अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्डिंग होती है उनकी वजह से होती है, जो स्प्लिटिंग आती है आपके एनएमआर सिग्नल में, ठीक है, एनएमआर सिग्नल के स्पेक्ट्रम में जो आपकी स्प्लिटिंग आती है वो। देन द स्पिन ऑफ द न्यूरबाई न्यूक्लियस अफेक्ट द मैग्नेटिक एनवायरमेंट ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियरली जब आपका मैग्नेटिक एनवायरमेंट है वो डायरेक्टली अफेक्ट होगा अगर आपका न्यूक्लियस अफेक्ट होगा इस प्रोसेस से। जब आपके न्यूक्लियस में इंट्रैक्शन हो के आपके एनएमआर के स्पेक्ट्रम में ब्रेकेज आ जाएगा तो उससे आपका डायरेक्टली न्यूक्लियस जो है फैक्ट होगा। देन वी आर ऑब्जर्विंग एंड द सिग्नल इज नॉट अ सिंपल सिंगलेट बट अ मल्टीप्लेट। बट इस प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि ऐसा भी होता है कि सभी जो सिग्नल्स होते हैं वो सिंपल सिंगलेट नहीं होते, मल्टीप्लेट भी हो सकते हैं। मीन्स ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सभी जो सिग्नल्स होंगे वो सिंपल सिंगलेट ही होंगे, वो मल्टीप्लेट भी हो सकते हैं। देन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मल्टीप्लेट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड नंबर ऑफ नियर बाई एटम्स, यानी कि अगर मल्टीप्लेट होगा कोई भी मॉलिक्यूल आपका तो उसका जो सिग्नल्स की कॉम्प्लेक्सिसिटी होगी वो डिपेंड करती है नियर बाई एटम के नेचर पे एंड उसके जो नंबरिंग है उस पे, ठीक है। क्लियर, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम टाइप्स पे भी फोकस करेंगे, बट इंट्रोडक्शन मेनली आपको समझ आना चाहिए। क्लियरली डेफिनेशन दो लाइन में जो स्टार्टिंग में आप सबके साथ शेयर की थी वो थी। देन कंसिडर ए इथाइल ब्रोमाइड एंड दिस ग्रुप CH3 थ्री डिफरेंट वे इज रिलेटिव टू एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि जो स्प्लिटिंग होती है वो किस तरह से होती है, उस स्पेक्ट्रम की स्प्लिटिंग को हम क्या नाम देते हैं, अभी हम वो दो एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्टली हम ले लेते हैं आपका इथाइल ब्रोमाइड यानी कि CH3Br, एंड इसमें हम अगर CH3 का जो एक्सटर्नल फील्ड है उसे देखते हैं तो वो थ्री टाइप की स्प्लिटिंग उसमें देखने के लिए मिलती है। अगर सिग्नल्स का भी आपको नोट्स मिल जाएंगे मेरे चैनल पे इन फ्यूचर, क्योंकि सिग्नल बनाने हैं, सिग्नल कितने होते हैं उस पे भी आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सो फर्स्ट वन हो गया, अगर वो अपर साइड आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसे हम रेनफोर्सिंग बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की लैंग्वेज में। सेकेंड वन, अगर आपके दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक अपर साइड एंड सेकेंड वन इज अपोजिट, तो वो आपका नॉट अफेक्टिंग में आ जाएगा, यानी कि उसकी वजह से अफेक्ट नहीं होगा स्पेक्ट्रम में। एंड थर्ड होता है आपका, जो कि दोनों डाउन साइड होते हैं उसे हम बोलते हैं अपोजिंग साइड। क्लियर हुआ, थ्री स्प्लिटिंग है एंड इस रेशो को हम बोलते हैं 1:2। सो हियर यू कैन क्लियरली सी द स्प्लिटिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रम CH3Br यानी कि इथाइल ब्रोमाइड, एंड दिस रेशो इज कॉल्ड 1:2। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड एग्जाम्पल विच इज फ्रॉम अ CH3 कपलिंग विद CH2 इन अ फोर डिफरेंट वेज रिलेटिव टू एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कपलिंग होती है CH3 की CH2 के साथ, तो वो जो उसका एक्सटर्नल फील्ड होता है वो उसमें आपके फोर डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है।
तो डिफरेंट डिफरेंट वेज क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं, प्लस ये सिग्नल्स आपको बनाने सीखने होते हैं उसका एक अलग से क्वेश्चन है, तो वो मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द अपलोड करने की। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट वन इज जो कि सभी अपोजिट साइड हो, यानी कि तीनों इलेक्ट्रॉन आपके अपर साइड है, अपोजिट नहीं, तो उसे हम स्ट्रांगली रिइंफोर्सिंग बोलेंगे। सेकेंड वन इज जब दो अपर साइड हो एंड वन इनर लोअर साइड, तो उसे हम बोलते हैं वीकली रिइंफोर्सिंग। एंड थर्ड वन इज जब आपके दो इलेक्ट्रॉन अपोजिंग साइड हो एंड फर्स्ट अपर साइड हो, तो उसे हम वीकली अपोजिंग बोलते हैं। एंड फोर्थ वन इज जब आपके थ्री इलेक्ट्रॉन्स अपोजिंग यानी कि डाउन साइड हो, तो उसे हम स्ट्रांगली अपोजिंग बोलते हैं। क्लियरली थ्री पार्ट्स होते हैं आपका रेनफोर्सिंग एंड अपोजिंग, ठीक है। एंड थर्ड वन बीच में जो आपका मिड में होता है उसे हम बोलते हैं नॉट अफेक्टिंग। बट अगर आपके थ्री इलेक्ट्रॉन्स का है तो उसमें अगर थ्री इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम शो करते हैं तो वहाँ आपकी जो स्प्लिटिंग होती है वो फोर पार्ट्स में होती है, जिसमें आप वीकली एंड स्ट्रांगली अपोजिंग जो है या रेनफोर्सिंग जो है वो ऐड कर देते हो, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक विच इज टाइप ऑफ स्पिन स्पिन कपलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लस मैं आपको इतना मटेरियल भी दे रही हूँ कि वो लॉन्ग में आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। एंड प्लस ये नोट्स की पीडीएफ बुक बनाई हुई है जो कि डिटेल में एक कंप्लीट बुक है आप सभी के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। नाउ फर्स्ट वन इज C13 एंड H12 कपलिंग। ये थ्री टाइप्स का होता है जिसमें आपका फर्स्ट टाइप है C13 एंड H12 coupling, then the carbon atom of CdCl2 is attached to a deuterium nucleus and deuterium has a spin I equal to 1, which means that there are three energy level for deuterium atom placed in a magnetic field. यानी कि जब आप देखते हो कि कार्बन एटम अगर अटैच है CdCl2 से जो कि एक ड्यूटीरियम से अटैच है, तो वहाँ पे जो आपकी स्प्लिटिंग मिलती है वो आपकी थ्री एनर्जी लेवल्स में आपको देखने के लिए मिलती है। देन थर्ड वन, इन दिस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन थ्री स्टेट इज वेरी स्मॉल। बट जो थ्री एनर्जी लेवल में उसकी स्प्लिटिंग देखने के लिए आपको मिलती है उसमें जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी कम होता है। द कार्बन इज कपलिंग टू ड्यूटेरियम एंड द सेपरेशन ऑफ लाइन्स इज हर्ट्ज इज कॉल्ड कपलिंग कॉन्स्टेंट। यानी कि जो कार्बन कपलिंग होती है ड्यूटेरियम के साथ और उसका जो सेपरेशन होता है लाइन्स का, उसे हम HZ बोलते हैं, हर्ट्ज में बोल सकते हैं, एंड उसे हम नॉर्मली कहते हैं कपलिंग कॉन्स्टेंट, जिसे हम जे से डिनोट करते हैं। ये आपका शॉर्ट टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, उसमें ऑलरेडी एक क्लास शेयर है, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ आपको सिर्फ हार्डवर्क करना है, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, आपको सभी नोट्स मिलेंगे, सिर्फ आप टाइम दीजिए एंड सर्च कीजिए, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड वन विच इज C13 एंड H1, ठीक है। द कार्बन एटम हैज़ एन ऑफरेज स्टेट फॉर द प्रोटॉन्स नियर टू इट एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग कपल्ड इट C13 एटम गिव्स राइज टू सिंगल कपलिंग। यानी कि या शार्पलिंग आप बोल सकते हो इसमें, जब कार्बन एटम होता है उसकी जो स्टेट्स होती हैं प्रोटॉन्स के लिए वो नियरली आपका सिंगल फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलती हैं। प्लस आप यहाँ पे देख सकते हो जो सिग्नल्स हैं वेरियस कार्बन्स के लिए वो किस किस टाइप से होते हैं। अगर आप सिंगल कार्बन के देखोगे एंड जहाँ पे आपका CH है उस CH बॉन्डिंग मिल जाती है, जहाँ पे CH2 बॉन्डिंग है एंड CH3 बॉन्डिंग है, तो ये सभी के लिए सिग्नल्स है। ये सिग्नल्स बनाना आपको ईजिली आ जाएगा अगर आपने सिग्नल्स का क्वेश्चन किया है कॉलेज में किया है, क्योंकि सिग्नल्स पे अभी मैंने क्लास शेयर नहीं की है, बट सिग्नल्स बनाना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्पेक्ट्रोस्कोपी के फॉर्म से, ठीक है। बट उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर वीडियो अपलोड हो जाएगी तो, क्योंकि मैं भी आप इस वीडियो को कुछ टाइम बाद वॉच कर रहे हो तो तब तक शायद मैं अपलोड कर दूंगी, बट अभी अपलोड नहीं है। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड वन विच इज H1 एंड H1 फर्स्ट ऑर्डर कपलिंग, ठीक है। लाइक C13 एंड H1 कपलिंग प्रोटॉन प्रोटॉन कपलिंग अकर्स व्हेन टू न्यूक्लियाई with I is equal to 1.5 are coupled, ठीक है। यानी कि अगर I is equal to half है तो वहाँ पे आपको H1 एंड H1 कपलिंग देखने के लिए मिलती है जो कि सिमिलर है C13 एंड H1 कपलिंग से। हियर वी आर कंसर्न्ड विद अ लॉन्गर रेंज कपलिंग प्रिंसिपल टू बॉन्ड्स एंड थ्री बॉन्ड कपलिंग। तो ये आपका क्लियरली सिमिलर है C13 एंड H1 की कपलिंग से, जो कि मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। एंड ये इसका एग्जाम्पल है जिसमें आप देखोगे कार्बन कार्बन अटैच है HA एंड HB से। सो यहाँ पे आपका स्पिन स्पिन कपलिंग
सिग्नलिंग जो है वो एंड होता है। अभी हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है इस टॉपिक से। फर्स्ट वन इज आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द स्पिन स्पिन कपलिंग विद द टाइप ऑफ कपलिंग। ठीक है, तो वहाँ आपको डिटेल में सभी को जो सब मैंने शेयर किया है वो सब शेयर करना है। एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट आपको मिस आउट नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग में आपको उतना मटेरियल लिखना होता है कि आपके 10 to 15 मार्क्स आप गेन कर पाओ। प्लस आपको फोकस करना है कि आप किस टाइप से लिख रहे हो। अगर आप मटेरियल अच्छे से लिख देते हो ठीक है, बट आपका जो डायग्राम होता है, जो भी चार्ट होता है, फॉर एग्जांपल इसमें आपके सिग्नल्स का ब्रेकेज था स्पेक्ट्रम में, तो उसे आप अच्छे से कलर पेन से यूज़ कर सकते हो, स्केच पेन यूज़ कर सकते हो। प्लस अगर आप कलर पेन नहीं यूज़ कर सकते हो तो ब्लैक पेन का कहीं भी मना नहीं होता है। ब्लैक स्केच लीजिए, कोई भी कलर पेन, एंड उसे यूज़ कीजिए, एंड इन डायग्राम को अच्छे से ब्रॉड तरीके से दिखाइए, जिससे कि आपका मटेरियल और ज़्यादा अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। तो प्लीज ब्लू एंड ब्लैक स्केच का यूज जरूर करें, एंड जो भी डायग्राम है, जो भी फॉर्मूला है, उसके लिए अगर आप श्योर हो 100% कि वो आप सही लिख रहे हो, तो उसे अच्छे से बड़ा करके लिखें एंड उसमें कलर पेंस का यूज जरूर करें। सेकेंड क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनता है वो है डिस्क्राइब द कपलिंग इंटरेक्शन इन अ शॉर्ट। तो वहाँ पे आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देना होता है, टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। बट इन केस अगर आपको इंट्रोडक्शन आप कहीं से भूल गए हो तो आप वहाँ पे टाइप मेंशन कर सकते हो, बट वो आपको शॉर्ट टाइप में लिखना होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मीट यू टुमारो इन बिटवीन 4 PM एंड 5 PM विद अ न्यू नोट्स ऑफ थर्ड सेमेस्टर। सो नाउ बाय बाय।